माल असली है ना? बिल्कुल असली। बहुत अच्छे। एक कम आधा शगन क्यों कुछ मिला उस तिजोरी में से? हवा। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा तुम्हारा वादा था कि खबर मैं लाऊंगा और चोरी तुम करोगे, और जो माल हाथ आएगा उसमें से हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। हमेशा तो बांटता रहा हूँ, अब खेत पूरा मेरे पास रहने दे। हरगिज नहीं, जो कुछ मिला है उसमें से आधा मुझे दो। जरूर लोगे? हर हालत में। फिर से सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, जो कुछ हाथ लगा है उसमें से आधा हिस्सा मुझे दो। अच्छा तो लो। बेटा वहां जो घूसेबाजी हुई उसका तो अभी तुझे दसवां हिस्सा भी नहीं मिला, अब बाकी का पूरा कर दूं। माफ करना भाई, माफ कर। बाकी जो हिस्सा है ना वो तू अपने पास रख ले। चल चल, एक और हिस्से की बात बताता हूँ। अरे चल रहा है, चल बता। एक बहुत जोर की खबर है, कल सुबह जो शिव सागर को यात्रा जा रही है उसमें एक जौहरी जा रहा है जो अपना बहुत कीमती हीरा शिव जी की भेंट करने वाला है। अरे मैं कहता हूँ छगन, इतना बड़ा हीरा है। समझा समझा। तो तू चाहता है कि मैं वो हीरा शिव जी के पास से उड़ा लाऊं? मैं उड़ा लाऊंगा, मगर कुछ पता ठिकाना लाया है कि ये शिव जी कहाँ रहते हैं? अरे कहाँ रहते हैं शिव जी? अरे मैं शिव सागर वाले भगवान की बात कर रहा हूँ। और भगवान की चोरी? जरूर करूंगा। आगे इंसान का माल उड़ाता था तो पुलिस मेरे पीछे भागती थी, अब भगवान का माल उड़ाऊंगा तो भगवान मेरे पीछे भागेगा। शाबाश। शिव सागर पहुंचने से पहले वो हीरा यूं उड़ा के नहीं लाया तो मेरा नाम छगन नहीं। हाँ, सुन सुन, उस हीरे में मेरा आधा हिस्सा रहेगा। भगवान की चोरी में तू हिस्से की बात ना कर। क्यों? उसने आगे तेरी एक टांग तोड़ रखी है। लेकिन छगन छगन छगन, देख तेरा मेरा फैसला था कि जो कुछ मिलेगा आधा आधा बांट लिया करेगी। अबे जब रुपया हाथ आता था तो आधा आधा बांट लेते, लेकिन तू ही बता हीरा कैसे बांट सकते हैं? उसे काटने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं। अच्छा एक बात कह रही, अगर हीरा तू चुराए तो हीरा तेरा, और अगर मैं उड़ाऊं तो बंदे का। तू मुझसे धोखा कर रहा है। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं हीरा नहीं चुरा सकता। तू मेरे लंगड़े पन का फायदा उठा रहा है। तुझे किसने रोका है? तू भी उठा उससे फायदा। अच्छा मैं देखता हूँ तू यात्रा पर कैसे जाता है। आखिरी दो टिकटें बची थी, दोनों मैंने खरीद ली हैं। इन टिकटों की बत्ती बना, बत्ती बीड़ी सुलगाने के काम आ गई। कभी नहीं, मैं देख लूंगा तुझे बाजी करता बच्चा। बाबू, शिव सागर में मिस्टर भगवान का वो जो दरबार लगने वाला है वो तमाशा हम भी देखेंगे। सीधे वहां का टिकट निकाल। पीरे खोचो पहुंचे रहो, जाके पियो। भगवान के दरबार में तुमको नहीं जाने को सकता। हाउस फुल है क्या? देखते नहीं खिड़की बंद है? हम सारा टिकट बिक्री किया। टिकट बिक्री किया? कोई बात नहीं, अपन ब्लैक भी दे सकता है। खोचोर भगवान के दरबार में ब्लैक नहीं चलता, भक्ति चलती है। उसका द्वार तो सबके लिए 24 घंटा खुला है। बकता है, अगर उसका द्वार 2400 घंटे खुला रहता है तो द्वार तक पहुंचने की ये खिड़की जो बंद है। हमसे ढोंग ना करो प्यारे, हम भगवान और उसके एजेंटों की पोल पट्टी सब समझते हैं। टिकट दबाए हो
तो ढीला कर दो चुपचाप। ऐ खोचर, तुम्हारा तो माथा खराब हो गया। हमारे पास टिकट होता तो हम तुमसे पहले उस सूरदास को देता। वही देखो बेचारा कितना निराश बैठा है। उसको विश्वास है कि शिव सागर के पवित्र जल से उसका आंखी ठीक होने को सकता है। आंखों के साथ साथ अकल का भी अंधा है बूढ़ा। और उसको भी देखो, टिकट नहीं मिला तो दुखिया का मन टूट गया। वो पोते के लिए शिव सागर वाले भगवान को भेंट देना चाहता है। उसका पति 4 बरस से बीमार पड़ा है। आलसी मालूम होता है। आलसी नहीं, रोगी है रोगी खच्चर। हम समझता है तुमसे जास्ती इन सब को टिकट दरकार है। तुम काहे को शिव सागर जाना चाहता? मैं जब से भगवान ने डाक्टरी का धंधा शुरू किया है अपने भक्तों से मोटी मोटी फीस वसूल करता है। अगर कोई दूसरा डॉक्टर मोटी फीस ले तो सरकार इनकम टैक्स लगा देती है, मगर भगवान से नहीं ले पाती। मैं वहां जाकर भगवान से वो इनकम टैक्स वसूल करूंगा। समझा, तेरे मन में कपट था इसलिए टिकट नहीं मिला। देखा भगवान का लीला? अरे लीला विमला शीला सबको देख चुका हूँ, मगर भगवान ने छगन को नहीं देखा आज तक। अगर विदाउट टिकट वहां पहुंच कर भगवान से इनकम टैक्स वसूल न कर लूं तो मेरा नाम छगन नहीं। की अद्भुत छेले। ले भादा, ए मौसाय, अमी एक ची कथा बोलबो, एक ची एजुकेशन बोलून। सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, दुनिया की बातों की परवाह छोड़ी, चांद और तारों से मस्ती निचोड़ी। सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी। रहते हैं हम तो आजाद गम से, रहते हैं हम तो आजाद गम से, दुनिया वाले डरते हैं हमसे। माना बुरे हैं पर दिल तो बड़ा है, हमने गरीबों से तकदीर जोड़ी। सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, सुनो भाई हमने थोड़ी सी पाली है। गाता है गाने दिल का ये बाजा, हा 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 ही 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 ही। गाता है गाने दिल का ये बाजा, अपनी ही धुन के हम तो है राजा। लाखों तूफान टकराए हमसे, जीने की फिर भी आस न छोड़ी। सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी। गगन से ऊंचे इरादे, नीले गगन से ऊंचे इरादे, दुनिया उसी की जो दुनिया झुका दे। दिल के इशारों पे चलते हैं हम लोग, हमने गुलामी की जंजीर तोड़ी। सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, दुनिया की बातों की परवाह छोड़ी,
चांद और तारों से मस्ती निचोड़ी, सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, सुनो भाई हमने पाली है थोड़ी, सुनो भाई हमने। तेजस्वी महाराज अपने आश्रम के विधवाओं का कल्याण कराने उन्हें इस यात्रा पर ले जा रहे हैं। अब तो इस जल यात्रा पे कोई डर नहीं, महाराज के प्रताप से उत्तरा पर तूफान गिर जाएगा। मूर्ख विधवा, हमारे चरण सूखी धरती पर पड़ गए, जल से हमारा मार्ग पवित्र क्यों नहीं किया? क्षमा कीजिए महाराज, घबराहट में कमंडल हाथ से गिर गया। कमंडल इसलिए गिरा कि तेरा चरित्र भी गिर चुका है। तेरा ध्यान हमारे चरणों पर नहीं, किसी नौजवान पुरुष पर था। भगवान के यहाँ हम तुझ जैसी पापन का कल्याण नहीं करा सकते। माफ कीजिए महाराज, सारा कसूर मेरा है। मेरे कैमरे की रोशनी से इस बेचारे की आंखें चुंधिया गईं, इसलिए कमंडल गिर पड़ा। इसके मन में कोई पाप नहीं। कैसे नहीं था? हमारी तपस्या ने हमें अंतर्यामी बनाया है। किसी के मन के गुप्त भेद हमसे छुपे नहीं, और फिर हम कहते हैं कि इसके मन में पाप था। बोल, क्या हम झूठ बोलते हैं? नहीं महाराज, नहीं, मैं आपको झूठा कहूँ, ये मेरी मजाल का। इस विधवा को क्षमा कर दीजिए महाराज, दया कीजिए मुझ पर। हमारा मन दया धर्म का सागर है, प्राश्चित कर, हम तुझे क्षमा कर देंगे, किंतु सावधान, जलयान पर पहुंचने तक हमारे चरण फिर सूखी धरती पर न पड़ने पाए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुराचारी चांडाल, भगवान के भक्त या निरादर? निरादर नहीं महाराज, सेवा है सेवा। आप अपने चरण कमल सूखी धरती पर नहीं रखना चाहते थे ना, इसीलिए मैंने धरती को गीला कर दिया। कहिए तो सारा रास्ता गीला कर दूं? मूर्ख, चाहे तो भगवान की दी हुई शक्ति से तुझे यही भस्म कर सकते हैं, पर हम तुझे नहीं, तेरे अधर्म को भस्म करेंगे। भगवान इसे सुमति दे। कोई अच्छी सी सुमति दीजिएगा महाराज, घोरी सी चिट्टी सी। ओम नमः शिवाय। जय छगन महाराज। नौकर अभी तक नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? पहुंचना चाहिए था उन्हें, और वो नहीं पहुंचे। नौकर आ गए सरकार। चलिए सरकार। अपने मुबारक कदम आगे बढ़ाइए सरकार। हम कुछ सोच रहे हैं। मुकाम ही सोचने का है सरकार, वक्त भी सोचने का है। रोज इसी वक्त सोचना चाहिए, और अच्छी तरह सोचना चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि यात्रा जाते वक्त पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए। सरकार, कोई नेक कदम उठाया जाए तो बेहतर है। सरकार का बाया कदम बहुत ही नेक है। लखनऊ में जब सरकार ने मुझे बाई लात मारी थी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे फूलों की छड़ी ने सहलाया है मुझे। जय
जब बाया कदम इतना नेक है सरकार, दाया तो देवता स्वरूप होगा, देवता स्वरूप। अरे भाई तुम कुछ नहीं बोले, तुम भी तो कुछ बोलो। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर है सरकार, कोई भी उठा दीजिए, शिव सागर के भाग खुल जाएंगे। अब आप तो चलो पहले दहना ही उठाते हैं। जा कम बक, देखता नहीं सरकार कदम उठा रहे हैं। सरकार पहले आप जाएंगे या वो शराब? पाप किसने किया है? पाप और आप? बाप रे बाप, शराब ने ही पाप किया है सरकार। अच्छा तो इस यात्रा पे पहले इसी बेचारी को जाने दो। जा बेधन्ना, चला जाए यहाँ से। जा। सरकार तो इस रुख पर बिल्कुल नाक की सीट पे आप चले चले। इसलिए कि तब आपके मुबारक कदमों को दो तीन गज कम चलने की तकलीफ होगी। आइए 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 आधा आइए क्या कदम क्या। मैंने कहा मेहरबान जरा उधर। जी किधर? जी उधर। आप किधर? जी मैं खुद इधर, मैं खुद इधर। क्या बात है, क्या सुबक लाद जमाई है जनाब ने कि पुरानी याद ताजा हो गई। हम खानदानी रईस हैं। बरसों पहले हमारे पास एक तुर्कस्तानी बटेर हुआ करता था, जब वो उछल कर भिन के जब मटकता था, क्या बात थी। आप ही की शक्ल, आप ही की सज धज, आप ही का बुद्धू पर बरखुदा मालूम हुआ कि तमीज तुमसे कोसों दूर है। चाचा जी मेरा ख्याल है कि अकल आपसे कोसों दूर है। तस्लीम, चलो कीरे टैक्स मास्टर, कल रात को तो मोदीरा बोलता था तुम्हारे पीछे, आज तो भगवान का भक्ति बोलता है ना। भक्ति अपने पैदा होते ही भागती हुई नजर आई थी प्यारे, तब से आज तक अपने सामने उसकी बोलती बंद है, समझे नहीं? वो बोलेगा, जरूर बोलेगा, भगवान का मन खूब नरम है। बीबी मेंढकी को भी जुकाम होने लगा, चुपचाप तमीज अपनी जगह पे चादर ला। ये पर्दा क्यों ताला जा रहा है? यही पर्दा, यही तुमरा जोरी के रतन को किधर नजर न लग जाए इसकी पड़ता है। बिटिया बाहर निकल आओ, पर्दा हो गया। चलो देखते नहीं, भूखी नजरों से कदम चूम रहे हैं लफंगे। चलो ए खोचा, किछु सुना? वो औरत ने तुमको कितना ताना मारा? उस औरत ने जो बात ताने में आज कदों के लिए कही है, बंदे ने होठों पर ना आजमाया तो नाम छिपे नहीं, लेकिन पता तो चले कि ये लतीक है कौन। ये तो भगवान का लीला का एक छोटा सा भाग था, यात्रा पे कोई रूप का रानी जाता है। उधर रूप का रानी जाता है तो इधर चोरों का राजा भी जाता है, रास्ते में तो मुलाकात होगी। हमारे ख्याल में तो तुम्हारा माता बिल्कुल खराब हो गया, हम बोलता है विदाउट टिकट तुम यात्रा पर कैसे जाने को सकता। ऐसे जी शिव सागर जा रहे हैं? जी हाँ, सुना है कि शिव सागर के भगवान बड़े प्रताप वाले हैं, लोग उन पर हीरे जवाहरात भी चढ़ाते हैं, क्या ये सच है? हो सकता है, मगर ये कैसे हो सकता है सेठ जी, हीरे जैसी अनमोल चीज भला कौन फेंकेगा इस तरह, और वो भी दो कौड़े के भगवान पर। क्या बकते हो खबरदार, जो भगवान के लिए ऐसे वचन मुंह से कहे तो। आंच को आंच नहीं सेठ जी, ऐसे ढोंगी भगवान पे तो कोई उल्लू का पट्टा ही हीरा चढ़ाएगा। क्या कहा? मैं उल्लू का पट्टा?
आप तो ऐसे उखड़ गए जैसे आप ही भगवान पे हीरा चढ़ाने जा रहे हो। मैं? वो हीरा? कौन हो तुम? ये सब बातें क्यों पूछते हो मुझसे? बस यही बात मत पूछे सेठ जी। जय छगन महाराज। क्या भाई लंगर दीन, शिव सागर ये सांड भी साथ ले जा रहा है? शिव जी को भेंट करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तुझ जैसे पशुओं को कुचलने के लिए है। गूंगा पहलवान। हाँ, ताकत तो है इस बैल में, कुछ दांव पेच भी है। वो मेरे पास है, भला ही चाहता है तो लौट जा यहीं से। चलो गूंगा पहलवान, चलो। सो गया मेरा लाल, किस चिंता में हो? ये हीरा मैं भगवान के चरणों तक पहुंचा सकूंगा पिया, यही चिंता है। अजी अब अपने बेटे की चिंता करो, बेटे की। इसकी बीमारी में जब सारे डॉक्टर जवाब दे चुके थे तब तुमने भगवान पर यह हीरा चढ़ाने की मन्नत मानी थी, और अब जब तुम्हारे बेटे को भगवान ने दोबारा जन्म दिया है उसी पर ये हीरा चढ़ाते हुए झिझक रहे हो। भाग्यवान, तुम्हारी अकल भी उतनी ही मोटी है जितनी कि तुम। मुझे तो ये डर है कि शिव सागर पहुंचने से पहले कोई चोर उचक्का ये हीरा चुरा ले। अकल मेरी नहीं तुम्हारी अकल को जंग लगा हुआ है, यात्रा करने भक्त लोग जाते हैं, चोर उचक्के नहीं। अजी हाँ, तुम्हारे उन्हीं बगला भगत भाई बंधुओं में से एक घाट पे मिला था, याद है की बात है? जी हाँ। तुम्हारी खोपड़ी में तो सर। जी मैं एक लेखक हूँ, इस यात्रा के ऊपर मैं एक किताब लिख रहा हूँ, अगर आप ये बता सकें कि इस यात्रा पे आप क्यों जा रहे हैं। नहीं 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 बनाऊंगा, तुम सब लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। जी मैं ये पूछने हाजिर हुआ था कि आप इस यात्रा पे क्यों जा रहे हैं। गुस्ताखी बाप, बड़े ही बेतकल्लुफ है आप, कल शायद आप ये भी पूछ बैठेंगे कि मैं ये पजामा क्यों पहने हुए हूँ। ये इनका कसूर नहीं सरकार। हजूर, ये आपके बड़े पन की निशानी है। अगर आप कभी छींके भी तो दुनिया को फिक्र होगी, सरकार क्यों छींके? और दुनिया की फिक्र दूर करना सरकार का ही हक है। अब आ तो चलो, इनकी ये फिक्र भी दूर किए ही देते हैं। हाँ, तो सवाल ये था कि हम इस यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। जी तो जवाब ये है हजरत कि हमारी एक अदद धर्म पत्नी हुआ करती थी, पत्नी तो चल बसी, अब सिर्फ धर्म ही धर्म रह गया है हमारे पास। यानी आप धर्म के लिए जा रहे हैं। जी तो वो शराब की पेटियां? असली पापन तो यही है जनाब, इसी ने सरकार को उनकी धर्म पत्नी से दूर किया था। उसी गमनाक दुखियारी ने अपनी जान दे दी। मरने से पहले मरने वाली ने सरकार को शिव सागर वाले भगवान की कसम दी थी कि सरकार इस पापन को हमेशा के लिए ठुकरा दे। लेकिन आप चाहते तो घर बैठे उसे ठुकरा सकते थे। अजी दंके की चोट ठुकरा सकते थे, लेकिन पंचों ने यही तय किया कि ये नेक काम भगवान के चरणों में हो तो ही बेहतर है। आया ख्याल है शरीफ में? जी आजा। Thank you.
हुआ है नैनू से पैर चूमने वाला यहाँ आकर फर्श कैसे चूमने लगा? हौले हौले पीछे से आया और कहा, तुम बड़ा बदतमीज है, पहली मुलाकात थी आप तक नहीं कहा, फिर मैं चीखी क्यों? क्या भी बड़ी बदतमीजी की उसने? नहीं, मैं उसे देखकर चीखी और वो गिर पड़ा मगर कैसे? धड़ाम से। मैं वारी जाऊं, सलोनी सूरत देखते ही ढेर हो गया, जाने वाला हो तो ऐसा एक बार पाँव क्या देखे, जान हथेली पर रख के चेहरे के दर्शन के लिए भी पहुंच गया। आखिर ये हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हाथ ही नहीं, सारा बदन धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है। देखो कोसो तहर कर आया है तुम्हारे पीछे, मैं अब देर से पीछे छुड़ाती हूँ। रेड़ को जामा को बुला ला। अरे अरे मालिक इनको बुलाकर एक हत्या सर लोगे क्या? सात पर्दों में रखती है वो तुम्हें, अगर इसे यहाँ भी देख लिया तो जिस रास्ते आया है उसी रास्ते लौटाएंगी। बेचारे को अगले जन्म तक गंगा मैया की गोद में सोना पड़ेगा। अगले जन्म तक? तब तो इसे यही सोने दो, होश आती है हम इसको रास्ता नापने के लिए कहेंगे। रूपा अब क्या किया जाए? देखो मालिक जैसे भी आए जरा उन्हें टालने की कोशिश करो, मगर कैसे? रूपा बिटिया तूने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? माँ पसीना आ रहा है, कहीं दरियाई हवा ना लग जाए। लेकिन पसीना क्यों आ रहा है तुझे? रियाज कहीं हूँ माँ। अच्छा अच्छा तू रियाज कर। मैंने कहा चल रास्ता नाप अपना। नाप लिया है, फासला बहुत कम है। क्या? या अपनी मंजिल तो तुम्हारे दिल तक पहुंचने तक पहुंचती है। ए मजनू मियां, दिल तक पहुंचने के फेर में रहे तो मंजिल दरिया की तह तक पहुंचकर खत्म हो जाएगी। खैरियत चाहते हो तो झटपट भाग निकलो यहाँ से। इंदर के अखाड़े से हम जैसे देवता भी भागे हैं कहीं, अब तो इस अप्सरा का संगीत भी सुन के जाएंगे। अब तो अप्सरा का नहीं, अप्सरा की अम्मा का संगीत सुनेंगे आप, वो भी पंचम सुर में। बिजली जरा माँ को तो बुला। क्या कहती हो रानी? अगर मालकन को बुलाया तो इस शुभ यात्रा पे एक हत्या तुम्हारे सर होगी। अरे हत्या से डरूं तो ये हत्यारा मेरे सर हुआ जाता है, इसे टालने का कौन सा उपाय करूं? अब या तो बंदा जी बहला के यहाँ से चलेगा या जी गवा के, दोनों में से कोई भी उपाय चल लो। ऐसा भी तो मैंने आज तक नहीं देखा। रूपा इतनी जल्दी रियाज बंद क्यों कर दिया बेटी? सितार के तार कट रही थी माँ। सितार के या इस दिल के? इन तीखी नजरों से इस दिल के तारों को छेड़ के बस शुरू हो जा।
धरती की अप्सराओं के भगवान तो हम हैं। शिव शिव शिव, भगवान नहीं राक्षस हो तुम। भगवान से बराबरी का दावा करते हो, उसका भी डर नहीं तुम्हें? बिल्कुल नहीं। दर्द मुझे इन कटीली आंखों का है कि ये कहीं इस दिल को बस में न कर ले, क्योंकि आज तक छगन राज को कोई भी बस में नहीं कर सका। ए छगन राज, कुछ देर और यहाँ टिके तो यमराज तुम्हें बस में कर लेंगे। भलाई चाहते हो तो झटपट भाग निकलो यहाँ से। मुझे भलाई चाहने की जरूरत नहीं, क्योंकि भलाई मुझे चाहती है। इसीलिए तो आज तुम्हें भी भलाई करनी पड़ेगी मेरे साथ। हम तो भलाई करने वालों को चाहते हैं। आए हाय, अजी भलाई तो हमने भी की है तुम्हारे साथ, तो क्या हमने भी? बिगड़ी मेरे ही सामने अपनी चमक दूसरों को दिखाती है। जालिम, मेरा नन्ना सा दिल टूटा जा रहा है। फिक्र न करो पाटे, हम अपने दिल पर बिजलियां नहीं गिरा करते। इसे तो सिर्फ एक चांद ही मो सकता है। और अब तो रात के अंधेरे में इस चांद के दर्शन करेंगे। जागो रानी, वो चला गया। तुमने ऐसा आदमी पहले भी कभी देखा है बिजली? हाँ, सपनों में। उत्साह दिलाने वाली बातें करता है, फिर भी जी चाहता है उत्साह दिलाता ही रहे। चिंता ना करो रानी, अंधेरी रात में उत्साह दिलाने का वादा कर गया है। हाय राम, मेरा छल्ला चोर कहीं का मेरा छल्ला उड़ा ले गया। छलिया है ना, छल्ले से शुरुआत की है, बात दिल पे रुकेगी रानी। किधर से आया? हम जैसा अनमोल मोती पानी के सिवा कहाँ जा सकता है? की अद्भुत छेले। ए लेखक बाबू, तो इसका जीवन कथा लिखने का शौक था, खूब भला किताब बनेगा। ए हमार लेखक बाबू, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। बात खाली नहीं, अजी खाली करने के फन में तो उस्ताद ने अपन हाथ मिलाई ना। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। किताब मजेदार बनाने के लिए आप ही जैसे करेक्टर की। कोई बात नहीं, आप किताब मजेदार बनाइए, हम बुक मजेदार बनाते हैं। अबे आंखें फाड़ के नजर कर लगाता, ये ले। कुत्तों से मुझे बहुत प्यार है, खाते टाइम सामने आ जाएं तो एक टुकड़ा उधर भी फेंक दिया करता हूँ। एक और ले। कुत्तों को टुकड़ा फेंकता है, तेरे टुकड़े मगरमच्छों को फेंके जाएंगे बेटा। अरे जानते हो, इसने स्वामी जी की बेइज्जती की थी, ये यात्रा पे नहीं जा सकता। स्वाद आ गया, जहाज पकड़ने के लिए इतना तैरा कि भूख के मारे बुरा हाल था। तो तैर के जहाज पकड़ा आपने? जी। मालूम होता है शिव सागर वाले भगवान में आपकी बड़ी श्रद्धा है। अजी साहब, वहाँ लाखों का माल चढ़ाया जाता है, उसमें हमको श्रद्धा नहीं होगी तो आप किसको होगी? कीरे खच्चर, भगवान में श्रद्धा है या भगवान के माल में? माशा, भगवान भी तो वो माल है जिसकी भक्ति से भक्तों का मन माला माल रहता है। बुझी जी, बस भगवान के द्वार पहुँच कर माला माल होने का प्रोग्राम अपना भी है। ये नास्तिक है, इसे भगवान में विश्वास नहीं। इस पापी ने घाट पर तेजस्वी महाराज का अपमान किया था। मैं कहता हूँ ऐसा पापी भगवान के प्रकोप से नहीं बच सकता, ये तो हमें भी ले डूबेगा। तब तो ये हमारे साथ जहाज में नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता, इसे उठा के पानी में फेंक दो। बहुत अच्छा लंगर दिन, खूब नाटक जमाया है तुमने। ठीक है, फेंक दो मुझे, लेकिन अगर मैं डूब गया तो इस शुभ यात्रा पे मनुष्य हत्या का पाप कौन लेगा अपने सर? है कोई हिम्मत वाला? चला है सामने। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बिच्छू को कुचल देना कोई पाप नहीं है। मैं कहता हूं बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। गूंगा पहलवान,
ओम नमः शिवाय। मनुष्य को पाप का दंड देना मनुष्य का काम नहीं, भगवान का काम है। और भगवान के घर में न्याय है, वो केवल पापी को ही दंड देता है, अपने भक्तों को नहीं। और फिर हमारे होते हुए भगवान के भक्तों को इस यात्रा पर कोई डर नहीं, भले ही ये साथ जाए। देखा भाई लंगारदीन, यूं जमाते हैं नाटक, तेरी हारी हुई बाजी मार ले गए स्वामी जी। स्वामी जी, इसने आपका अपमान किया है महाराज। हमारा अपमान नहीं, जिसका कोई मान ना हो वो हमारा अपमान क्या करेगा। चढ़ते हुए सूर्य पर थूकने वाला अपने को ही भ्रष्ट करता है, सूर्य को नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कीरे बेशरम, तुम स्वामी जी का चरण छूने का शौक था, स्वामी जी तुम्हारा प्राण बचाया। अरे मेरे प्राण नहीं, अपनी आन बचाई है स्वामी जी ने। क्या ख्याल है लेखक जी? मेरा ख्याल है आप जैसे दिलचस्प कैरेक्टर इस दुनिया में देखने को बहुत कम मिलता है। बहुत कम? अजी तो दिन रात देखिए, लेकिन एक छोटे मोटे बिस्तर का इंतजाम तो हो जाएगा ना। जरूर, चलिए। एक चाय। उधर सही उंगली क्या बात नहीं? चिंता ना करो, तुम रात को आने की धमकी दे रहे थे ना, इसी डर से उसने मुझे यहाँ सुला दिया और खुद वहां सो गई। तुम यहां, तुम्हारा मुझसे क्या वास्ता? जो अंधेरे का रात से है। रात काफी हो चुकी है। और हम दोनों अकेले हैं। मुझे डर लगता है तुमसे। मगर मुझसे ज्यादा जमाने से। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। एक बार आगे बढ़कर पीछे नहीं हटा करता। मैं चीख के लोगों को बुला लूंगी। तुम तकलीफ न करो, मैं खुद ही बुला लेता। अरे वहां आ जाएगी। मुझसे अब डर नहीं लगता? नहीं, अब तो अपने आप से डर लगता। रूपा, मेरे साथ कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें हर तरह का डर अपने दिल से निकाल देना। भगवान का भी? भगवान? भगवान को बुद्धिलों ने जन्म दिया है। किसी मुसीबत से घबरा कर जब उनकी नानी मरने लगती है तो वो भगवान का ध्यान करके अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं। जो कभी हिम्मत नहीं हारता वो खुद अपना भगवान है। इंसान भगवान कभी नहीं बन सकता। एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हें भी भगवान के आगे सर झुकाना पड़ेगा। अपना सर तो एक रूप की रानी की गोद नहीं झुकेगा किसी दिन। रूप की रानी? कौन है रूप की रानी? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैं वारी, मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं, लो दांतों से भी तोड़ो रानी। ये लड्डू किस खुशी में लाई हो? एक छलिया छल्ले के साथ साथ इनकी भूख भी छल्ले गया था, मैंने सोचा चाहिए। क्यों जी, तुम हमारा छल्ला क्यों उड़ा ले गए? कलाकार हूँ ना तुम्हारी तरह,
तुम गले और पांव का रियाज कर रही थी और हम उंगलियों का रियाज कर रहे थे। मैंने कहा कलाकार जी कुछ जबड़ों का भी रियाज कर लीजिए। चोरी करने आया था उसने जिस्म पर काला रंग और तेल लगाया हुआ और जिस्म में काफी मजबूत और मोटा था। अरे तो फिर चलो चोर दिया कि तुम क्या बोल रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी थी और स्वामी जी आप पर नाराज हो गए। सच मानिए, दिली अफसोस है मुझे। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछ सकता हूं? आप स्वामी जी के आश्रम में कैसे आए? आपके कोई रिश्तेदार या कोई? बाल विधवा हूँ मैं, भगवान के सिवा मेरा कोई भी नहीं। लेकिन भगवान भी तो आपका नहीं। जी हाँ, इस दुनिया में आप किसी को भी अपना नहीं कह सकती, भगवान को भी नहीं। अगर वो आपका होता तो बचपन में आपको विधवा नहीं बना देता। पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। ये दलम के धनी, अकल के धनी बनो अकल के। उस सर मुंडे स्वामी ने तुम्हें इस विधवा के साथ देख लिया तो इस बेचारी की खैर नहीं। आ जा नैन द्वारे, आ
गड़बड़ नहीं है, चलो देखो ना। बचाओ बचाओ बचाओ, जो क्या रे कोई बचाओ बचाओ बचाओ। नौजवान तो गलत समझे, ये पापी नहीं। सैकड़ों लोग हैं यहाँ, मगर इस महापुण्य के लिए भगवान ने इसी को चुना। पुण्य के चुनाव में धौंस ही चलती है प्यारे, जो भगवान को धमका सके भगवान उसी को वोट देते हैं। बहुत मुश्किल है। ऐ शिव सागर का भगवान सब ठीक करेगा। मैकेनिक बाबू, तुम मोटर बोट में तारातोड़ी पुर्जे को लेने के लिए जाओ 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 जाओ। मोटर बोट किधर जाता? एक खच्चर मोटर बोट नहीं, ए मैकेनिक बाबू सिटी जाता है जहाज के पुर्जा लाने को। जहाज खराब हो गया ना, जब तक पुर्जा नहीं आएगा जहाज चलने को नहीं सकेगा। की बात, एक खच्चर तुम्हें कपड़ा किधर दिला किया? यूं ही जरा पुण्य सागर में दो चार डुबकियां लगाने गया था। अद्भुत चले। ला भाई एक गर्म चाय लाना। अभी कहाँ जा रहे हो, ये जहाज क्यों रुके? इंजन खराब हो गया, पुर्जा लेने के लिए शहर चल रहे। इंजन खराब हो गया, तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, शुक्र है भगवान का। दवाई वक्त से देते रहिएगा। बहुत अच्छा जी, इसकी इजाजत नहीं। चलिए आइए आइए, अंदर आइए। क्षमा कीजिएगा, उस वक्त घबराहट में मैं आपको धन्यवाद भी नहीं दे सका। आपने जो उपकार किया है मुझ पर, मैं उसका एहसान जिन्हें नहीं छोड़िए। इस वर्जिश को कहिए, आपका बेटा कैसा है? आपने नया जीवन दे दिया है उसे। धीरे, जीवन मरण का वो ठेकेदार कहीं सुन ना ले अपनी बात लगती है उसके साथ। यह तो गलत ख्याल है आपका, उसकी बड़ी कृपा है आप पे। परोपकार तो आपके मन में कूट कूट कर भर दिया है उसने। उस परोपकार की मैं पूरी कीमत तो चुका नहीं सकता, ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। सेठ जी, मैं परोपकार का व्यापार नहीं करता हूं, इसे अपने पास ही रहने दीजिए। आप बुरा मान जी, अपना हाथ में बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मोटे माल से लेके चुपती बात तक सब कुछ हजम कर जाते हैं। सुनिए, ये एक और उपकार कीजिएगा मुझ पे। बड़ा कीमती हीरा है ये, शिव सागर पहुंच के मुझे इसे भगवान पे चढ़ाना है। काफी धांसु हुआ है, कोई लाख या सवा लाख का तो होगा, उससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन मुझे डर है कहीं मेरे हाथ से ये हीरा निकल ना जाए। कल रात को तो आपने देख ही लिया, बहुत से चोर उचक्के मेरे पीछे लगे। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, अपने होते हो किसी की क्या मजाल है कि आपसे हीरा उड़ा के ले जाए। इसीलिए तो मैं इसे आपके हवाले करना चाहता हूँ। आप बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं, शिव सागर पहुंचने तक इसकी पूरी तरह से हिफाजत कर सकते हैं। और अगर हिफाजत करते करते मैं हजम कर गया तो? कर लीजिए। मजाक नहीं कर रहा हूं? मैं मजाक नहीं कर रहा, अपने बेटे की जान पे ये हीरा निछावर करना है मुझे। आपके हाथों भगवान ने मेरे बेटे की दोबारा जान बचाई है, इसलिए इन हाथों में ये हीरा अमानत रखते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं। सेठ जी, अंधविश्वास अकल के अंधे ही किया करते हैं। ये तो मन का विश्वास है भैया, जो आदमी खुशी से दिन नहीं तक ठुकरा सकता है वो मेरी अमानत कभी हजम नहीं करेगा। इसे आप अपने ही पास रखें। अब कह रहे कि अपना सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया आपने, लेकिन फिक्र ना कीजिए, शिव सागर पहुंच के दूसरी तरफ लड़ा देंगे। Ha ha ha!
छगन मान बेचारा, जौहरी ने हीरा जहाँ छुपा रखा है उसकी खबर मैं तुझे ला दूंगा। अरे आधा नहीं तो चौथाई हिस्सा मेरा। हवा आने दे हवा, पटक यहाँ से। अरे सुन, मैं कहता हूँ हीरा तो मेरी मदद के बगैर नहीं चुरा सकेगा। अबे जा मुंह धो के आ, अपन जब चाहे मैं फटक छोड़ के अपने पास आ जाए, बंगाल का जादू है तेरे पास। बेकार की बकवास लगा रखी तूने। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख ले। जय छगन महाराज। अरे चुरा लिया तूने? अबे चुराया नहीं है, जौहरी ने खुद अपने हाथों से दिया। ओ, जब से जहाज रुका है सख्त उतार हो रही है। काश कोई दिल बहलावे का सामान इस जहाज पर होता। सरकार ने मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे दिल के अरमान समेट लिया, मेरे ख्यालात की नस पकड़ ली आपने हुजूर, मेरी रूह की पुकार सुन ली आपने। जब दर्द हमने जाना है तो इलाज भी हम खुद ही करेंगे, क्या ख्याल है? पांचवा काला आज। करमवा बैरी हो गए हमारे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, करमवा कौन बाँचे हमारे, कौन बाँचे हमारे बजनवा। कौन रूपा? नहीं, नहीं, के, बिजली तू बात कर, मेरा तो दिल धड़क रहा है। डूबतों को बचाने वाले, किसी का दिल डूबा जा रहा है, कहाँ हो तुम? स्वर्ग में, तुम्हारी सुरीली आवाज सुनी और स्वर्ग में पहुंच गए हम। तो फिर फौरन धरती पर उतर आइए, क्योंकि रूपा की सुरीली आवाज नहीं बिजली की कड़क सुन रहे थे आप। ए बिजली की बच्ची, रंग में भंग तो करती है, रूपा से बात क्यों नहीं करने देती? हाँ, रूपा रानी के दिल पर प्यार की मोहर क्या लगी, जबान पर भी ताले लग गए। अब तो आप हमारे जरिए ही बात कर सकते हैं उनसे। जरा उनसे तो पूछो किसने मोहर लगाई है उनके दिल पर। पूछते हैं कौन समा गया है तुम्हारे दिल में, क्या बताऊं? झूठ में बताना, लेकिन सच भी नहीं, वरना मैं लाज के मारे मर जाऊंगी। आए हाय, न झूठ बताऊं न सच, फिर क्या बताऊं? अरे कह देना कुछ भी, कन्हैया के हजार नाम थे, उनके लिए दो चार नाम नहीं सोच सकते। बिजली, हर नंबर की पकड़ पकड़, अरे मुझे बाधा पड़ जाएगा। बिजली, ओ बिजली, बिजली चली गई, यानी के बादल भी छट गए, तो फिर चांद नजरों के सामने क्यों नहीं आता? तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। तुमको नींद आएगी तुम तो सो ही जाओगे, तुमको नींद आएगी तुम तो सो ही जाओगे, किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे, ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर।
अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी, शोक शोक वो अदा हमको याद आएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। आप इस वक्त यहां? समझा, चुपके चुपके आंसू बहाने के लिए आई हैं आप। ठीक ही तो है, जिस आश्रम में विधवाओं का कल्याण होता है वहीं एक विधवा आंसू बहाए, आश्रम वाले क्या कहेंगे? मैं जानता हूं आंसुओं पर इंसान का जोर नहीं, लेकिन समाज की नजरों में अब इंसान ने विधवा, सिर्फ विधवा। तुम्हारा दुख मैं समझता हूं, मेरी नजरों में तुम विधवा नहीं इंसान। क्या कहा, तू उसे विधवा नहीं मानता? विधवा से पहले ये औरत है, इंसान है। अच्छा तो ये बात है, क्या तू इस औरत से ब्याह कर सकता है? बोल, एक विधवा औरत से ब्याह करेगा? जी हाँ। और कलयुग है, कलंकनी तूने हमारे आश्रम के नाम पर पट्टा लगा दिया है, चल अंदर। पहले मैं इस दुराचारी से निपट लूं, फिर तुझे भी देख लूंगा। ए महाराज, दूसरों को सोने भी दोगे नहीं, इतनी रात तू गला क्यों फाड़ रहे हो? ये पापी एक विधवा को धर्म मार्ग से भटकाना चाहता है, ब्याह करना चाहता है उससे। वारे मेरे मट्टी के शेर भाइयों, लाओ फूल हार मेरे चेले के लिए, इसमें उस्ताद थी। तूने ही इसकी बुद्धि भ्रष्ट की है। आप हमसे मेल जोल नहीं बढ़ाते महाराज, वरना आपको भी लाइन पर ले आते। चुप रहो, महाराज के सर अब और बदतमीजी की तो ठीक नहीं होगा। शांत हो जाओ, हमारी धर्म शक्ति कितनी महान है, भगवान ने तुम सबको ये दिखाने के लिए इस पापी को इस यात्रा पर भेजा है। यात्रा पूरी होने से पहले हमारे प्रताप से ये पापी भी भगवान को ओम नमः शिवाय। चल प्यारे, स्वामी जी के नाटक का दूसरा ड्राफ्ट सीन भी खत्म हो गया, जा सो जा।
प्यार में इतनी डूब चुकी हो कि अब समंदर में भी डूबने का डर नहीं। किसके प्यार में? जिसे देखने के लिए जान हथेली पर रख के नीचे झुकी हुई थी। मैं तो समंदर की हलचल देख रही थी। अंधेरी रात में सिर्फ उमंगों की हलचल देखी जा सकती है, समंदर की हलचल नहीं। समंदर की मौजों की आवाज सुन रही थी मैं तो। मौज में आए हुए एक दिल की आवाज सुनो, उससे भी भली मालूम होगी। हटो, जाने दो मुझे। जा सकोगी? क्यों नहीं, जाओ। चाहते हो कि मैं चली जाऊं? वो तो तुम खुद भी नहीं चाहती। तो फिर तुम मुझे रोकते क्यों नहीं? रोक तो रखा है। कहां? मैं तो खुद ही रुक गई। तुम सिर्फ अपने दिल को रोक रही हो, मगर तुम्हारे कदमों को मैं छगन। जाने तुमने क्या कर दिया है इस दिल को, अब मुझे दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। कम से कम 2 लाख का होगा, अब सारी उम्र मौज में बीतेगी। फेंक दे से पानी में, फेंक दे। ये हीरा भी कुछ कम नहीं है, मैं अब इन दोनों हीरों का मालिक हूं। मैं क्या देखता है, आ इस हीरे को उठा और चल मेरे साथ। वो हीरा कहां है? मौत चाहिए या जिंदगी? दोबारा अगर जहाज पर गया तो ये चाकू देखा है? भाग जाए यहां से। बोलो अब तुम्हारी क्या मर्जी है? चलो जहाज पर। देखो मैं कोई हरफन वाला नहीं हूं, मुझे मोटर बोट चलाना नहीं, तो बगैर जहाज तक पहुंचना मुश्किल है। तो फिर मेरा ख्याल है कि रात जंगल में ही काट दी जाए। हाय रे दया, आओ मेरे साथ। यहाँ कोई शेर वेर तो नहीं आएगा ना? अरे जब इस शेर को ही तुमने बस में कर लिया है तो दूसरों की क्या मजाल है कि तुम्हारे सामने टिक सके।
ये कटीली नजर हर कटीले जानवर को चूहा बना देगी। तुम्हें तो हमेशा मजाक सोचता है, यहाँ तो डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। जहाज को लौटने के लिए फोन चप्पू का बंदोबस्त करो। ऐ भोले शाह, चप्पू कोई आशिक का दिल नहीं जो तुम्हारे कदमों में ही मिल जाए। जब तक कोई गांव खेड़ा नहीं मिलेगा, चप्पू कहां से मिलेगा? लेकिन तब तक जहाज हमें छोड़कर चल दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इस जंगल में मंगल मनाएंगे। फिर वही मजा। मैं कहती हूँ मुझे माँ के पास फौरन लौटना है, समझे? क्यों, वहाँ कोई दूध की बोतल ठंडी हो जा रही है क्या? छी, तुम समझते क्यों नहीं, अगर रात भर मैं तुम्हारे साथ रही तो माँ मेरी छुट्टियाँ काट लेगी। कोई परवाह नहीं, बिलायती मेम साहब के रूप में भी ये दिल तुझी पर निसार रहेगा। उफ़, मैं कहती हूँ तुम भगवान का नाम लेके चप्पू तो ढूंढो जरा, उसकी दया से दर्जनों चप्पू मिल जाएंगे। तेरे भगवान ने इस जंगल में चप्पू की एजेंसी नहीं खोल रखी, समझे? आज उसकी मुझ पे दया है छगन, कुछ देर पहले उसने मुझे गुंडों से बचाया। ए मूर्खा, तेरे भगवान ने नहीं छगन पहलवान ने बचाया है तुझे। इस मुसीबत में तो ऐसे वचन मुँह से ना निकालो, अगर भगवान की मर्जी ना होती तो तुम भी मुझे बचा नहीं सकते थे। ताना दिला मुझे, अपनी खोपड़ी गम हो गई तो उसकी अर्जी मर्जी धरी रह जाएगी। तुम तो निरे नास्तिक हो, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। साइया को मार गोली और सैया के गुण गा, अपन ना होते तो भगवान की बजाय उस गूंगे की दया हो गई होती तुझ पर। तुम ना होते तो भी वो गूंगा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, वो मुझे हाथ लगाते ही भगवान उसके हाथ तोड़ देता। ये बात है तो बुला अपने भगवान को, देखता हूँ वो मेरे हाथ कैसे तोड़ता। वाह, तेरी मदद के लिए भगवान ने क्या सुंदर आसमानी फौज भेजी है, जा स्वागत करूंगा। जा जा। तुम्हार नाम की? ওই ভদ্রলোকটা তোমার কর্তা বুঝি? তোমার বিয়ের ক বছর হয়েছে? এই বিশেষ দিনে তোমরা আমাদের অতিথি। বিশেষ দিনে কি ব্যাপার? এই যে বুড়ো বুড়ি দেখছো না? দেখছি। এদের আজ বিয়ের প্রায় 100 বছর পুরো হয়েছে। তাই গ্রামের সবাই আনন্দ করবে। আনন্দ করবে? খালি আনন্দ করবে ইয়া গানা বাজানা করবে? না না না, নাচ হবে, গান হবে। আজ গ্রামে সমস্ত সদবা মেয়ে ছেলেরা তাদের স্বামীদের সঙ্গে নাচবে, গাইবে। তোমাকেও নাচতে হবে, গাইতে হবে। আর শোনো, তোমার ওই ওই বউ নাচতে পারে? বউ? হ্যাঁ, আমার বিবি খুব ভালো নাচতে পারে। বলি, এই এত রাত্রিতে নদীর ধারে তোমরা দুজনে করছিলে কি গা? यहाँ इन सब प्रेमियों का नाच होने वाला है, नाचेगी मेरे साथ? भगवान को बुरा कहने वाले राक्षस के साथ कोई चुड़ैली नाचेगी? मैं नहीं। फिर सोच ले, अगर ये सलोनी सूरत वाला राक्षस तुझे पसंद नहीं है तो वो मोटी तोंद वाला देवता पीछे पड़ जाएगा तेरे। कौन? वो जो मेरी तरफ उंगली उठा रहा था। सिर्फ उंगली नहीं, उसकी नजर भी उठ चुकी तेरी तरफ। पूछ रहा था लड़की कुंवारी है क्या? पूछा करे, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जरूर बनाएगा तुझे आपने। आज के दिन जो भी कुंवारी लड़की यहाँ बिना प्रेमी के हो उसे कोई भी मर्द अपना बना सकता है, इन मछेरों का यही दस्तूर है। क्या मालूम? हाँ, हाँ, हाँ। कोई जबरदस्ती मुझसे ब्याह करेगा और तुम देखते रहोगे? तो फिर बोल, नाचेगी मेरे साथ? इससे बचने का यही तरीका है। हाँ, नाचूंगी। कहाँ जाते हैं वो, कहाँ जाते हैं? बहकी नजर किसको खबर, प्यार के राही कहाँ जाते हैं? नया सफर नई डगर, जाने क्यों कदम डगमगाते हैं? कहाँ जाते हैं वो, कहाँ जाते हैं?
निगाह ने लूट लिया दिल, लूट लिया दिल। आज मेरे प्यार को मिल गई मंजिल, मिल गई मंजिल। जादूगर सामने मुस्कुराते हैं, जादूगर सामने मुस्कुराते हैं। नया सफर नई नगर जाने क्यों कदम लगाते हैं, कहाँ जाते हैं वो, कहाँ जाते हैं। तुम्हारा मार्ग मेरे जो मार्ग खली पथली रे शिवा जाने की नजर किसको खबर प्यार के राही कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं। तुम्हारा मार्ग मेरे जो आग खली पथली रे शिवा जाने रूप को प्यार सिखाया, प्यार सिखाया। रूप ने भी प्यार को हार पिलाया, हार पिलाया। मिलके दो दिल मधुर गीत गाते हैं, मिलके दो दिल मधुर गीत गाते हैं। बहकी नजर किसको खबर प्यार के राही कहाँ जाते हैं। क्यों कदम जगमगाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं। तुम्हारा मार्ग मेरे जो मार्ग खली पथली रे शिवा जाने ना। तुम्हारा मार्ग मेरे जो मार्ग खली पथली रे शिवा जाने ना। तुम्हारा मार्ग मेरे जो मार्ग खली पथली रे शिवा जाने ना। तुम्हारा मार पे मेरे जो आर उथली पाथली रे शिमा जाने ना। चल छू पाओ माई जी के लिए आशीर्वाद। जी माँ, सातवर माता सिंदूर नहीं, जन्म स्त्री हो माँ, जन्म स्त्री हो। इरा हलो हिंदी लोग, इरा माता सिंदूर पोरे ना। बुझे छी, बुझे छी। पूछ रही हैं कि कितने बरस हुआ शादी को, कितने बच्चे हैं, जवाब दो। एक खोखन और एक खोखी। আমরা কি তোমার ভালোবাসি, আমরা কি জানলে তোমার ভালোবাসি, সব ভালোবাসি। মশাই, ভিতর গরমি বারে সর্দি, সজন আমি বাইরে শোব। পাগল নাকি, গিন্নি ভেতরে শোবে আর কর্তা বাইরে শোবে, আর তা কি কখনো হয় নাকি ভেতরে যাবে তুমি জানো। निकलो, निकलो, मैं निकलो। मालूम होता है यहाँ पति के स्वागत की ये रस्म होती है तो हम कभी मुसीबत नहीं लेंगे, सच कहता हूँ। मारामारी होती है। अरे ता तो हबे ही, चलो चलो चलो, हम लोग भी मारामारी करूँ। धोखे बात कहीं का, तुमने जानबूझ के उस चौधरी की उल्टी सीधी बातें बताई और मुझे यहाँ बंद करवाए। आज शुरू से ही तेरे मन में खोट है। खोट नहीं, चोट है। अपना मन तो कब से तुम्हारा दीवाना है रूपा, उस वक्त तो सिर्फ मेरी खोपड़ी उबल पड़ी थी, वरना तुम्हारी कसम मेरे मन में कोई नीच ख्याल नहीं था। तो फिर तुमने लोगों से झूठ क्यों कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या करता हूँ, सुहागनों को देखकर तुझे भी दो पल के लिए सुहागन के रूप में देखने को मन मचल उठा।
ले तू भी देख, जिस रूप को एक दिन बाजार की रौनक बन के मुरझाना है, सुहाग कान मुल्ताज पहन के कितना खिल उठा है वो। इस सिंदूर ने मुझे सजा दिया है ना? इस भोली सूरत का सिंदूर और भी सस्ता है। क्या हुआ? तुम मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे। जो जिंदगी मेरे नसीबों में लिखी है, उस जिंदगी से मुझे नफरत हुई जाती है, और ये सब तुम्हारी वजह से। रूपा, तेरे सर की कसम, छगन में इतनी हिम्मत है कि किसी भी पाटे खां से टकरा के तुझे उस जिंदगी से यहाँ खींच लाए। लेकिन लेकिन क्या? हाथ की सफाई करते करते हाथ इतना साफ हो गया है कि घर गृहस्थी की रेखा ही मिट गई है इसमें से। अपन धरे फकर भाई, आज यहाँ मेहमान है तो शायद कल पुलिस के मेहमान बन जाए। मैं समझी नहीं तुम्हारा मतलब। अब तुझे कैसे समझाऊं? देख रूपा, तू तो सिर्फ मेरा नाम जानती है ना, पर काम जानती मेरा काम धंधा क्या है? कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम नास्तिक हो। इससे बुरा काम और क्या हो सकता है इस दुनिया में। लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास है, एक न एक दिन मैं तुम्हारे मन में भगवान की भक्ति जगाकर ही रहूंगी। अरे पगली, भगवान की भक्ति तो कुंभकर्ण की नींद सो चुकी है अपने मन में। तू ढोल भी पीटे तो भी नहीं जगा सकती। ये तुम्हारी हट है छगन, और विश्वास में हद से ज्यादा शक्ति होती है। अरे उस शक्ति को मार गोली, देखता है तू हमें अपना एक दिन बना के छोड़ेगी। सचमुच? मगर कैसे, तुम्हारे हाथ में गृहस्थी की रेखा जो नहीं। शिव सागर पहुंच के बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले जरा। तीन चार लाख का पुण्य हाथ आएगा तो रेखा अपने आप आ जाएगी। जब तक वो रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं आती, तुम दरवाजे के उस तरफ और मैं इस तरफ, समझे? मंजूर है। मंजूर है। शोक वो अदा हमको याद आएगी। मस्त
तो दिल की तार छेड़ के हो गई बेखबर, तुम तो दिल की तार छेड़ के सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा, क्या वजह है हर कोई हमको लूटने लगा, क्या वजह है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा, तुम तो दिल के तार छेड़ते हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम सनम रात भर, तुम तो दिल। मेरा ख्याल होगा किसी मगरमच्छ या किसी मछली मछली के पेट में। ये लो तुम्हारा इनाम। मेरी तरफ से इन पे निछावर। की अद्भुत खेल। ना रख दो के घबराता है दिल, और मैं जो बनता हूँ बिगड़ जाता है दिल। बेमिसाल हुस्न है सरकार, बेपनाह नजाकत है। और कमबख्त हो तुमने, मुझे क्या तसव्वुर कर रखा है। हाजी रश के आफ्ताब हैं आप तो। लेकिन तो दरअसल चमेली की बेटी का जिक्र कर रहे थे। अबे नामा कुलो, चमेली की बेल होती है, चमेली की बेटी कैसी। चमेली भाई सरकार, चमेली भाई जिसकी महक किसी जमाने में सरकार को लखनऊ से कलकत्ता खींच ले गई थी। वो इसी जहाज पर सरकार अपनी बेटी के साथ होना का फरोज है। अबे तो कमबख्त ये बात पहले क्यों नहीं कही, लपक इसी दम और चमेली भाई को हमारा पैगाम दो और कहो कि मुलाकात का शरफ बख्शने की जहमत गवारा फरमा। जवान दिल का धनी मालूम होता है। हाँ माजी, तेरे लिए वो अपनी जान पे खेल गया और इनाम के रुपए तक नहीं लिए। एहसान की कीमत रुपए देकर नहीं चुकाई जा सकती माजी। पत्थर पड़े उस गोरी अकल पे। ठीक ही तो हमारी बिटिया ने, हम लोग रुपए देकर नहीं रुपए लेकर कीमत चुकाते हैं। किसी ऐरे गहरे नथु खैरे का एहसान लेना ठीक नहीं बिटिया, तूने उसके एहसान की कीमत चुका दी ना। माजी आप गलत शक कर रही हैं मुझ पर। कल की लौंडिया मैं गलत समझूंगी तुझे भला। मैं जानती हूँ तेरा मन पसीज उठा है उससे, और सारी रात तूने अकेले गुजारी है उस आवारा के साथ। लेकिन एक बच्चरन के साथ नहीं माँ जी। कल मुही सच सच बता, शिव सागर वाले भगवान के सामने पवित्र जाना है तुझे, कहीं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ तो नहीं दी तूने। नहीं माँ जी नहीं। छाता ना दे मुझे, आग और पानी साथ हो तो आग बुझ के ही रहती है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ माँ जी, मैंने कोई पाप नहीं किया। तू भगवान को बीच में लाई है इसलिए माफ करती हूँ तुझे, लेकिन याद रख जो भगवान को दी हुई प्रतिज्ञा तोड़ता है कीड़े पड़ते हैं उसके बदन में, उस लपंगे के साथ तेरा मेलजोल बन ना पाए। जी क्या है? लखनऊ के रईस आजम को और बांके बिहारी लाल बाकी है ना, उनका एक खुशामदी आपके नाम एक संदेशा लाया है। बहरा अंदर आने दो इन्हें। आजम आदाब बजा लाता है। जी तस्लीम इर्शाद। दो लफ्जों में कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूँ, अगर आप सुनने की तकलीफ गवारा करें तो। तकलीफ कैसी है, तो मेरी खुशकिस्मती है। बाबा आपका ऐसा समझना जरा नवाजी है आपकी। आपका ये फरमाना इनकसारी है आपकी। आपका ये सोचना दरिया दिली है आपकी। आपका ये तस्वुर करना बुलंद ख्याली है। आप यहाँ तशरीफ लाई ये इज्जत अफजाई है मेरी। आपने मुझे इस काबिल समझा, ये जरा नवाजी है आपकी। आपका ये तस्वुर फरमाना खुश इखलाकी है आपकी। आपका मुझे ये नवाजना शीरी जबानी है आपकी। वाह 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 वाह, वही शाइस्तगी वही गुल पेशानी, बचपन की कसम चमेली भाई, फूल तो मुरझा गए लेकिन खुशबू अब तक कायम है। क्यों ना हो बंदा परवर,
इस चमेली की बहार कोई मामूली बहार तो ना थी? अमां क्या बात थी, जब आप स्टेज पर नृत्य फरमाती थी वो समा अभी तक मेरी नजरों में है। उधर आपका अंग चलन, इधर तमाशाओं के दिल में जलन, और आपके तोड़े उन तोड़ों ने लाखों के दिल तोड़े, और वो खड़न क्या पुर असर खड़न थी वो। वो दिन हवा हुए कमल जी, जब पसीना गुलाब था, वरना याद है उस जमाने में आप भी हमसे शादी की दरख्वास्त कर बैठे थे। आपसे रिश्ता जोड़ने की तमन्ना तो अब तक है हमारे सरकार को। भाई वाह, बाकी कड़ी में उबाल। अजी उबाल तो आप वाली कड़ी में था हुजूर, लेकिन अब जो ताजा कड़ी खुद की है हमारे दिल में, उसमें उबाल नहीं ज्वालामुखी है। और वो ज्वालामुखी आपकी बेटी के लिए है? रूपा के लिए? जी हाँ, शौहर बनने का शरफ तो आपने हमें बख्शा नहीं, अब दामाद बनने की इज्जत ही अता फरमा दीजिए। वो इज्जत तो आपको किसी दूसरे जन्म में ही मिल सकेगी कंवर जी, क्योंकि रूपा दरअसल मेरी बेटी नहीं, अनाथ थी, मैंने उसे बचपन से पाला है। पाला है तो चलिए मुझे पालतू दामाद ही बना लीजिए। क्या बेमिसाल रिश्ता निकाला है सरकार ने, पालतू बिल्कुल निराला था। ये दुम हिलाने वाला रिश्ता आपकी शान के खिलाफ है कंवर जी, और फिर रूपा की उम्र ऐसी है कि वो आपकी बहू बने। अब है बहू बनाने के लिए एक अदब बेटा चाहिए, और वो फर्ज सरकार आज तक पूरा नहीं कर सके। जी, लिहाजा वो फर्ज पूरा कर लूं पहले, तब मेरी बहू बनाने के लिए आप एक आध अनाथ लड़की और पाल लीजिएगा। पालना आसान नहीं कंवर जी, मैंने बड़ी मुश्किल से रूपा को पाला है, उसे बेहतरीन नाच सिखाया सिर्फ इसलिए कि वो स्टेज पर नाचेगी और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अब वो सहारा किसी दूसरे को सौंप नहीं सकती ये बंदी। बंदी के सहारे के लिए बंद तिजोरियां खोल दूंगा मैं, मगर आप बंदे की ढलती जवानी पर तरस तो खाइए। फिलहाल ये नामुमकिन। नामुमकिन? ओह पंखा पंखा उखला दम मेरा पंखा। मेरी बात तो सुनिए कंवर जी। कहिए। हुआ ये था, कुछ बरस पहले किसी बीमारी की वजह से रूपा का एक पैर बेकार हो गया था। कमबख्तो, हमारी तबीयत गुदगुदाने से पहले हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम हमारा दिल एक लंगड़ी लड़की पर मायल कर रहे हो। पूरी बात तो सुन लीजिए कंवर जी। रूपा का पैर बेकार होने पर मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर वो नाचने के काबिल हो गई तो सबसे पहले शिव सागर वाले भगवान बाद में उसे स्टेज पर लाऊंगी। जब तक वो मन्नत पूरी नहीं हो जाती बंदी कुछ और सोच भी नहीं सकती। तो चलिए जो ही सही, मगर एक अर्ज है कि बंदी की मन्नत पूरी होते ही बंदे की मुराद भी पूरी हो जाए। वो तो आपस की बात है कंवर जी, तय कर लेंगे फिर, इतनी बेसब्री भी क्या है। लाइए पान तो खिलवाइए। अजी सरकार, पान क्या जान हाजिर है, मगर चूना इस पर आपका बेहतर। तुम अभी तो ऐसे ही चोरों की तरह। क्या करें, अपना धंधा ही ऐसा है। चोरों की तरह ना? बिल्कुल, चाहे किसी कमरे में या कमरे वाली के दिल में। ए दिल बसिया, कमरे वाली की अम्मा का कमरा भी बाजू में ही है। अजी जब कमरे वाली ही अपने बाजुओं में है तो उसकी अम्मा को मारो गोली। अरे ये जरूरी कैसी? मुझे परेशान ना करो, मेरे दिल में तो इस वक्त एक उलझन से समाई हुई है। अरे वाह, मेरा नाम छगन के बजाय उलझन कब से रख दिया तुमने? तुम समझते क्यों नहीं, उन्हें डर है कि अगर हमारा मिलना जुलना जारी रहा तो। उसका डर बिल्कुल ठीक है, शिवजी महाराज का आशीर्वाद लेकर लड़की मर्दों के संसार में जग सेवा करने वाली थी, वो सिर्फ एक ही मर्द की सेवा में जिंदगी गुजार दे ये तो महापाप होगा। आने ना दो छगन, मैं मजबूर हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ। हाँ। बताओ बताओ बताओ। तुम नाच का रियाज तो करती हो? हाँ। इसलिए तुम्हारे पाँव भी बहुत मजबूत होंगे। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जो भी तुम्हारी खुशी के रास्ते में आए उसे लात मारो दस और गिनो एक। इस जमाने में लोग कदम कदम पर डरते हैं, धर्म से, भविष्य से, बंधनों से, समाज से, जो इन सबको ठोकर से उड़ाता है वही सुखी है।
लेकिन अबला हूँ छगन, अकेली में कर भी क्या सकती हूँ, मुझे कहीं सर छुपाने का सहारा भी तो नहीं। अरे मूर्खा, इस नाजुक सर सहारा देने के लिए ये 40 इंच का सीना क्या कम है। रूपा, दरवाजा खोल, सारे तेरे साथ अंदर। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। बोलो, अगर माँ के सामने जबान खोलने की हिम्मत है तो खोल दरवाजा। नहीं छगन, नहीं, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, तुम्हें मेरे साथ। दरवाजा खोल मैं कहती हूँ। अच्छा, तो तू दरवाजा नहीं खोलेगी, तोड़ दे दरवाजा। उल्टा, मेरे मना करने पर भी कुछ छर्रे उड़ा रही थी अपने छैला के साथ। मालकी, हट जा, आज मैं इसकी हड्डी हड्डी सुना कर दूंगी। मैं तेरा ही कुशल मान के तुझे इस यात्रा पे लाई थी और तू मेरी हड्डी क्या तोड़ने गई थी। शिव सागर वाले भगवान की कसम, मैं वहां प्रतिज्ञा पूछने से पहले तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भगवान, मैं तेरी सौगंध खा के सकती हूँ। शिव सागर पहुंच के मैं इस पावन को हमेशा के लिए तेरे चंदों में डुबाऊंगी। महाकम, ये क्या कह दिया आपने? श्री सागर वाले भगवान का प्रकोप तो आप जानती हैं, उन्हें दिया वचन पूरा ना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। वो कभी नहीं होगा, जब इतने कड़े पहरे के बाद भी ये अपनी मनमानी करती है, ये बात तो ये ड्यूटी की नोक पे लिखेगी मुझे। और तू भी गौर से सुन ले, अगर अब से तूने इस पे कड़ी नजर नहीं रखी तो धीरे लौट लूंगी तेरे। हजारों खर्चने के बाद मुल्क में हाथ से नहीं जाने दूंगी इस मनचली लैला को। और अभी इसका बंदोबस्त करके आती हूँ। जल जमुना भरने कैसे जाऊं मोरे राम, पहरे पे थारो तिलंगवारे। जल जमुना, वाह क्या अंदाज है। हे जी जल जमुना, जल जमुना, क्या सेवा है। तेजी जल जमुना भरन कैसे जाऊं मोरे राम। जल जम जल जमुन, वाह वाह क्या सुराईदार गला पाया है। तेजी जल जमुना भरन कैसे जाऊं मोरे राम। जल जमुना। हुजूर, मुबारक हो, मुबारक हो, आपने तानसेन का रुतबा पा लिया। आपकी सुरीली तालों पर ये तबले अपनी आप बज उठे। निराधार न कैसे चली जाता है, निराधार न कैसे चली जाए जाए जा, निराधार न चली जाता। आप मुदाखलत की इजाजत है मुझे? आइए आइए, आंखों पर, पलकों पर, पपोटों पर तस्लीम। आइए आइए, तशरीफ रखिए, फरमाइए कैसे जहमत गवारा फरमाई। रूपा के लिए आपकी बेचैनी खींच लाई हमें, वो हमारी बेटी सही, लेकिन आप भी तो हमारे लिए जी गैर नहीं। ओ, शुक्रिया शुक्रिया सरकार। गुस्ताखी माफ हो सरकार, बड़े जरूरी अर्ज है, बड़ा तकलीफ। जरा हाँ हाँ, क्या है? दाल में कुछ काला है सरकार। अबे दाल में काला है तो बावर्ची से क्या दूसरी दाल चढ़ाए। नामाकुल कहीं का परी का जिक्र छिड़ा हुआ था और तू रसोई का दूसरा ले बैठा। मैं भी उसी परी का जिक्र कर रहा था सरकार। एक बार शादी से इनकार करने के बाद चमेली बाई खुद आई यहाँ, मालूम होता है उनका बुढ़ापा रंग लाने लगा, लिहाजा सरकार हरा जरा तंग मत। शाबाश शाबाश, क्या बात बताई है तूने। शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक हो कमल जी, आपके नौकर बड़े नमक हलाल मालूम होते हैं। अजी होंगे कैसे नहीं, रोज पाव भर नमक खाते हैं कम वक्त।
खैर ये तो फरमाइए कि पालतू दामादी में आप कब कबूल कर रही हैं मुझे? ये तो आपके हौसले थे कंवर जी, रूपा ही मेरी कुल पूंजी है, उसे आपको सौंप दूं तो मुझे बुढ़ापे में क्या सहारा मिलेगा ये तो मालूम हो। हम सबकी दिली दुआएं मिलेंगी हुजूर, बुढ़ापा वो मुकाम है जहाँ से स्वर्ग का सफर शुरू होता है, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए दुआ से बढ़कर और क्या सहारा हो सकता। और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हम दुआओं के अलावा सफर खर्च भी आपको देंगे, पूरे 20,000। सिर्फ 20,000? आप मजाक कर रहे हैं शायद। अरे हंसी मजाक तो हम आपकी बिटिया से करेंगे, बाकी आपके साथ तो जी अदब एहतराम का रिश्ता हो गया है हमारा। मगर बंदा परवर, 20-25,000 तो मेरा साल भर का खर्चा है, क्या आप मुझे एक साल में ही परलोक भिजवाना चाहते हैं? अजी गैब का हाल किसने देखा है, इंसान जितनी जल्दी माया मोह से छुटकारा पा जाए उतना ही अच्छा है। तो हुजूर आप भी माया मोह छोड़िए, जो माया आपकी तिजोरियों में बंद है कुछ इस बंदी को ही सौंप दीजिए। तो चलिए छोड़ा, एक तिजोरी खाली की, पूरे 50,000। हुजूर अपने 50,000 अपने पास रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। क्या फरमाया, 50,000 देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इजाजत देने से हमारा घर आबाद हो जाएगा? जी नहीं हुजूर, मैं तो इस ख्याल से आई थी कि शायद खानदानी रईस है आप, लाखों की बात करेंगे। तो क्या हम खानदानी रईस नहीं? क्यों जी, तौबा कीजिए सरकार, 100% खानदानी रईस है आप, और खानदानी रईस अपनी बात पे अड़े रहते हैं। हमारा खूब याद दिलाया, तो फिर हमें अड़ जाना चाहिए। बिल्कुल अड़ जाना चाहिए, तो चलो अड़ गए चमेली भाई, हम अड़ गए अपने खानदानी वकार के लिए, पूरे 5,00,000 पे हम अड़ गए। आपके खानदानी अड़ियलपन का लिहाज है हुजूर, वरना बंदी के लिए तो ये रकम भी कुछ नहीं। चलिए 5,00,000 में ही अपना बुढ़ा पेश भी आए। नौज क्या मैं अपनी बेटी का सौदा करने आई हूँ? लाइए पान खिलवाइए। जूना जरा कम। सरकार सरकार सरकार, क्या है? हमारा जहाज शिव सागर पहुँच गया। हम शिव सागर पहुँच गए। बोलो शिव सागर की जय। आ जा रे राजा, आ जा नैन दुआरे, तरस गए तेरे दर्श दिनाए, दो नैना दुखिया रे। भटक चुके हम लागी लगन तिहारी, कब से तेरा रास्ता देखे जीवन नाव हमारी। तरस गए तेरे दर्श दुराए, दो नैना दुखिया रे। आ जा रे आ जा रे आ जा नैन दुहारे। संग सनाती पार उतर गए, छोड़ के बोझ भारी,
अब तो नाथ खबर लो हमारी, अब है अपनी बारी। हम मर रहे हैं, जरूर मरना चाहिए। मुकाम भी मरने का है, वक्त भी मरने का है। मरकर सीधे स्वर्ग में जाएंगे। अबे कमबख्तो, हम थकावट से मर रहे हैं, हमें उठाओ। अरे सरकार थक गए, सरकार को उठाओ। ये रहा आपका वो हीरा। आप ये आंखें मूंद के क्या कर रहे हैं? जी मैं इसे पहचान रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि आंखों का काम अक्सर हाथों से लेना पड़ता है। लीजिए, इतने दिनों से संभाल के आपने बड़ा उपकार किया है मुझसे। इसके लिए मैं आपको अजय रहने भी दीजिए, अपना लेन देन सिर्फ फ्री तक ही रहेगा। एक भाई, जब आप हीरा भगवान की भेंट करने जाएंगे तो क्या बंदा भी आपके साथ चल सकता है? क्यों नहीं, अभी कोई पूछने की बात है? मेरा आप पे अटल विश्वास है, जरूर चलिएगा। एक बात और बताइए सेठ जी, अगर ये हीरा भगवान को भेंट करने के बाद को उड़ा के ले जाए तो? मगर कैसे उड़ाएगा? खैर ये तो आप अपने भगवान से पूछिएगा। आप ठीक कहते हैं, भगवान की लीला भगवान ही जाने। मुझे तो ये हीरा दे दे। भगवान से अपना बड़ा प्यार है सेठ जी। अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरा कहना है कि सेठाने की आंख में इस वक्त आपका मिलना हसीन इत्तफाक है। हम समझे नहीं आपका मतलब। ना समझी जिनकी अदा, ये दिन उन पे फिदा है। इस दिले बीमार की जो सदा, आप ना समझे तो बात जुदा है। समझता है हम ये नहीं समझ, हम समझ रहा है। रानी मैं चोरों का राजा, वो तेरा मेरा प्यार निराला, तेरा मेरा प्यार निराला। बस एक नजर और एक मुस्कान, जाने तूने क्या कर डाला, जाने तूने क्या कर डाला। की रानी मैं चोरों का राजा, वो तेरा मेरा प्यार निराला, तेरा मेरा प्यार निराला। तू धरती का तारा, मैं जर्रा आवारा, वो तेरा मेरा प्यार निराला, तेरा मेरा प्यार निराला। नजर और एक मुस्कान, जाने तूने क्या कर डाला, जाने तूने क्या कर डाला। चमक के सवेरे हैं, गानों के चमक के सवेरे हैं। हा
जल धारा, मैं झूमता किनारा, वो तेरा मेरा प्यार निराला, तेरा मेरा प्यार निराला। चुके जिस दम लहराए बिजली की अदा भी शर्माए, बिजली की अदा भी शर्माए, तू प्रीत की वीणा, मैं नगमा तिहारा, वो तेरा मेरा प्यार निराला, तेरा मेरा प्यार निराला। बस एक नजर और एक मुस्कान, जाने तूने क्या कर डाला, जाने तूने क्या कर डाला। गुरू की रानी, मैं चोरों का राजा, वो तेरा मेरा प्यार निराला, तेरा मेरा प्यार निराला। तो चोरों के राजा, अब तक कितने दिल चुराए हैं आपने? जिस पर दिल न्योछावर किया जाए उसको दिल चुराने की क्या जरूरत है? दिल वालों को नहीं, धन वालों को बकरा बनाते हैं अपन तो। क्या जी तुम और चोर, जाओ जाओ, हमें बुद्धू ना बनाओ। अरे तू तो जन्म की बुद्धू है, तुझे बुद्धू कौन बनाएगा? तुमने कभी ये भी सोचा है कि मुझ जैसा भगवान का यार भक्तों की यात्रा में कैसे आया है? मेरे लिए घाट पे तुमने मेरे पैर देखे थे ना? अरे जा, बिल्कुल गलत। एक बार फिर सोच। सोच लिया, अपने पाप धोने के लिए आए हो? अरे बारम, दूसरों के धुले हुए पाप बटोरने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि एक जौहरी 2 लाख का हीरा फोकट में भगवान की भेंट कर रहा है और मैं वो हीरा फोकट में भगवान से वसूल कर लूंगा। हाय राम, तुम भगवान की चोरी करने के लिए आए हो यहाँ? और नहीं तो क्या, तेरी तरह मस्कार लगाने आया हूँ। तुम इतने गिरे हुए निकलोगे कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज तक मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा आदमी समझती थी। जाने कितने अरमान बांधे थे मैंने तुम्हारे दम के साथ। तो अब कौन सा बेदम हो गया हूँ? मेरी बन के सारे अरमान पूरे कर ले? हरगिज नहीं। एक चोर डाकू की पत्नी बनने के बजाय मैं खुद बिक जाना बेहतर समझती हूँ। बिकने का दिन और तारीख बता देना, पहली और आखिरी बोली छगन महाराज की होगी। घबरा गई आप मुझे देखकर? जब भी मैं आपकी जिंदगी में आता हूं एक मुसीबत बन जाता हूं आपके लिए। उस रात को जहाज पर जो कुछ भी हुआ तब से शायद आपको मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। शेर जी, मैं मांझी हूं शेर जी। 10 रुपए रोज पर मैंने ठेकेदार से नाव ली है लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं मिला। और तुम तो हमारे जहाज पे आए हो ना? हर बरस आता हूँ सरकार 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन मुझे अपाहिज लंगड़े की नाव पे कुलात्री नहीं बैठता। अगर आप दान करने के लिए जा रहे हैं तो सरकार मेरी नाव किराए के लिए हाजिर है, चलिए पुण्य होगा। ठीक ही तो कहता है बेचारा, अपाहिज की मदद करने से पुण्य होता है। अच्छा फेंका मैं लंगड़ीन कहूँ कुछ? अच्छी तरह सोच ले छगन, जबान मेरे मुंह में भी है। अब एक खोपड़ी की बात कर, खोपड़ी। सेठ जी, आज तक कोई यात्री इसकी नाव पर नहीं बैठा है, जरा सोचिए तो क्यों? हम बात तो कुछ सोचने की। हाँ बकता बकता सेठ जी, बहुत से लोग मेरी नाव में बैठती हैं। लेकिन भाई अभी तुम कह रहे थे तुम्हारी नाव पे कोई नहीं बैठता। हजूर मत बोलिए, आइए मेरे साथ नाव तैयार। चलो बेटे चलो। अच्छा बच्चू, देखता हूँ आखिरी दाव किसका होता है, तेरा या मेरा। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। लीजिए सरकार,
मुबारक हाथों से। ना ना ना, अब हम जिंदगी भर हाथ ना लगाएंगे इस डायन को। ठीक ही तो कहते हैं सरकार, जिस चीज को ठुकरा है भला उसे हाथ कैसे लाया जाता है। आधा बन लीजिए सरकार, लगाइए बकायदा ठोकर। वाह क्या ठोकर है, आला वाह क्या आदा है, आला वाह क्या नजाकत, आला वाह वाह क्या बुलंदी है, आदा बकायदा। जय शिव सागर, जय शिव सागर। ठहरिए सेठ जी, ठहरिए ठहरिए, कहीं ये हीरा किसी मगरमच्छ या कछुए के पेट में न चला जाए। मैंने वो इंतजाम किया है कि ये हीरा हमेशा हमेशा के लिए शिवजी महाराज की गोद में रहेगा। देखिए इसे डाल दीजिए इसके अंदर और चढ़ा दीजिए शिव सागर की। जय शिव सागर। आज आपकी मन्नत भी पूरी हो गई और यात्रा भी हमारी मुराद कब पूरी हो रही है। हौसला रखिए, कल हमारा जहाज वापस जा रहा है, शहर पहुँचते ही आपका ब्याह हो जाएगा। लेकिन हुजूर, तब तक हमारी तबीयत को कैसे करार आए, जिस हुस्न पर हम फिदा हुए हैं उस हुस्न के हमें एक बार दर्शन तो करा दीजिए पूरे नाज और अंदाज के साथ। लेकिन कमर जी, आज रूपा मंदिर में नाची थी, आपने नहीं देखा क्या? सरकार वहाँ इसलिए नहीं आए कि भगवान के बड़े भक्त हैं सरकार। सरकार नहीं चाहते थे कि भगवान के सामने उनकी तबियत गुदगुदाए। क्योंकि सरकार रईस जो ठहरे, जब भी नाच देखते हैं तबियत जरूर गुदगुदाती है। आ हाय,
इस वक्त तो बिना लाश देखे ही इनकी तबीयत गुदगुदा रही। इसका इलाज आप ही कर सकती हैं। जी क्या फरमाया? मैं यानी आपकी बिटिया? जी, जब से है हमारी होने वाली बीवी बेहतरीन नृत्य फरमाती है, दर्शन के लिए तबीयत बेहद गुदगुदा रही है। एक दो अंग चलन, दो तीन तोड़े, तबीयत फिर हो जाएगी चमेली भाई। आपने बड़ी अड़ियल तबीयत पाई है कुंवर जी। खैर, आपका दिल तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि आप हमारी दामादी में आने वाले हैं। वो भी पालतू दामादी। जरूर आएंगे चमेली भाई, एक पान तो खिलवाइए। जरूर जरूर। ऐ चूना जी भर के लगाइए। वाह क्या चूना निवास दिल पाया है, क्या दरिया दिली है सरकार, क्या शराफत है सरकार, क्या बगावत है सरकार, कहा सखावत है सरकार। हो गई नीलामी शुरू, लगाऊं बोली जाए के? छगन, वो जो लखनऊ रही यात्रा पे आया है ना, माँ ने मुझे उसके हाथ में बेच दिया है। तथास्तु, तेरी मनोकामना सफल हो। एक चोर की जोरू बनने के बजाय शरीफ लुटेरों को जोरू बनने का सौभाग्य मिल रहा है तुझे। जा, खुशी के नगाड़े बजा। छगन, उस वक्त मैं गुस्से में थी छगन, सुहाग की आस मेरे में जगा के इन बाजार में न ढकेलो मुझे। मैं तुम्हारे सिवा और किसी की नहीं बन सकती, मुझे अपना लो छगन, मुझे अपना लो। जा अपना लिया, जा, आज से तू मेरी जोरू और मैं तेरा मर्द। जा मौज कर जाके। मैं तुमसे दिया रचाने के लिए कहती हूँ छगन, पंडित को बुला के। पंडित जाए चूल्हे में, मैं उन बुजदिलों में से नहीं जो गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए फंदे से चुंगी कटवाते हैं। जब तक तुम मुझसे बिया नहीं रचाओगे, समाज में तुम्हारा नहीं माँ का जोर रहेगा मुझ पे। वो मुझे जबरदस्ती उस रईस के हवाले कर देंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ छगन, मेरी बात मान लो। अपना दिल मुलायम जान के छिलका दिए ना आंसू। चल तेरी मर्जी से शादी होगी, लेकिन पहले मैं तगड़े जहेज का प्रोग्राम तो कर लूं। जहेज? मुझ पे तरस खाओ छगन, मुझे नाथ को जहेज कौन देगा भला? तू उसे जगत पिता मानती है ना, तो ठहर, पड़ोसी में तेरे उस जगत पिता का गोदाम है। मैं उसमें डुबकी लगा के 3-4 लाख का जहेज यूं लाया, जब तक तू यहीं जमी रहना। जैसे ही इसका चहेता लौटे, टुकड़े टुकड़े कर देना उसके। शिकार के लिए तैयार हो जा बेटा।
छगन साहब, छगन छगन, जिस हीरे की ही आज मेरी जान जा रही है वो हीरा मुझे एक बार दिखला दे छगन, एक बार दिखला दे। खोपड़ी में दिमाग है थाली का बैंगन? क्या अभी तक मजाक कर रही थी मेरे साथ? मैंने बहुत सोचा, एक चोर डाकू की पत्नी नहीं बनूंगी मैं। एक चोर डाकू की पत्नी नहीं बनेंगी तो और कितनों की बनेंगी? हाँ, नंबर बता दे ताकि अपने चेले चपाटे भेज दूं दरवाजे। छगन, मैं तुमसे टाइम बर्बाद किया अपना। मैं तय कर चुकी हूँ छगन, अब मेरा पीछा न करना। आज से मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आज से क्या, अभी से भाग यहाँ से। दो चार बार रूप की रानी क्या कह दिया, दिमाग चौथे आसमान तक पहुँच गया है। छगन के एक इशारे पर तू जैसी दर्जनों चली आए हथेली पर दिल रखे हुए। मुंह क्या देखती है, फूट यहाँ से फूट। बारिश बढ़ती चली जा रही है क्या? इस यात्रा पे हर साल बारिश होती है। जी पुरुष भगवान अपने जाति लोग की भक्ति को खूब प्रसन्न होने को सकता तो अपना दिया का बिस्ती करता दिखता है। खूब तो बेहतर काम किया चमेली भाई। ये थामिए जी, 1 लाख नग्न हूँ, बाकी के 4 लाख शहर पहुँचते ही जिस रोज शादी होगी पेश कर दूंगा। शर्मिंदा ना कीजिए खबर जी, मुझे एतबार है आपसे। एतबार है तो मेरे संदेशे का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? जवाब आपके कमरे में पहुँच चुका है कंवर जी। क्या फरमाया आपने? जी हाँ, जो आप चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पसंद कर ले तो बेहतर है। रूपा आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही है तो हम बेकार ही जवाब के इंतजार में 2 घंटे बैग घिसते रहे। अच्छा तो मैं लपकूं? लपकिए। आदाब आदाब। मालकम, मैं आज तक कभी नहीं बोला। क्या है मुर्दार? आपने मुझे मुर्दार कहा तो सुनिए, मुर्दा जब बोलता है तो कफन फाल के बोलता है। जिस दौलत के लिए आपने रूपा को बेचा है एक दिन वही दौलत आपको ले डूबेगी। बत्तीस भगवान, मन ही मन में मैंने छगन को अपना पति माना है। ये दुनिया वाले नहीं जानते मगर तुम तो जानते हो। सुहाग के सपने देखे हैं मैंने और अब दुनिया वाले मुझे नरक में धकेल रहे हैं। अगर तुमने मेरा अधूरा सुहाग लूट जाने दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने कहा जाने मन, मैं यहाँ दाखिल होके दखलंदाज तो नहीं हुआ? मुझे आजाद कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कुर्बान जाऊँ? हसीन लड़कियाँ हमारे आगे हाथ जोड़ा नहीं, हाथ फैलाया करती हैं। अपने बांधपन की कसम,
हीरे जवाहरात से हुजूर की झोलियां भर दूंगा। मुझे दौलत नहीं, इज्जत चाहिए। इज्जत तो हमारी मूंछ की नोक पर लहराया करती है। आइए कुछ इज्जत आपको भी बख्श दूं। छोड़ दो मुझे। हुजूर ये कैसी बेतकल्लुफी, मैंने आपको छुआ नहीं और आप सटक गई। आपकी माँ को 5 लाख मैंने सिर्फ कबड्डी खेलने का नहीं दिया है। मैं कहती हूँ मेरे करीब मत आना, वरना मैं अपने जान पे खेल जाऊंगी। अजी जान पे खेले आपके दुश्मन, अगर आपको खेल कूद का इतना ही शौक है तो हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। इस वक्त पूरा नक्शा कबड्डी का है। आप हमारे घर में तशरीफ ला चुकी हैं और हमें आपको अपने काबू में करना है। चुनाचे पैतरा भी कबड्डी का ही होगा। मुलहजा फरमाइए, पैतरा नंबर 1। वार खाली गया, ये ना जाएगा। पैतरा नंबर 2। भागवंती कसम मुकाबला तगड़ का है। पैतरा नंबर 3। भगवान इस वक्त मेरी इज्जत तेरे हवाले है, अगर तू उसकी रक्षा ना कर सका तो मैं समझूंगी इस दुनिया में कोई भगवान नहीं। राजी धुलवाई है चलट। भगवान का प्रकोप है ये, अवश्य ही किसी पापी ने भगवान से की हुई प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। भगवान के इस प्रकोप से वो पाखंडी बच नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा है कि किसी यात्री ने भगवान को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया, जब तक वो वचन पूरा नहीं होगा ये तूफान नहीं रुकेगा। अपने वक्त पर वो मन्नत पूरी कर दो, वरना हम लोग सब डूब जाएंगे। भाइयों याद करो, तुम में से किस यात्री ने वचन पूरा नहीं किया? मैं जानता हूँ वो यात्री कौन है। मेरे सामने चमेली बाई ने भगवान की कसम खाई थी कि अपनी लड़की को शिव सागर में डबो दूंगी, लेकिन अभी तक वो लड़की जहाज में मौजूद है। देखा, स्वामी जी ने ठीक कहा है, भगवान अपनी मन्नत की भेंट लेकर रहेंगे। वो लड़की जरूर डूबेगी और साथ हमें भी ले डूबेगी। ऐसा ना कहो, जोशी के लिए सैकड़ों निर्दोष क्यों डूबे, उसे अकेले ही डूबना चाहिए। कहाँ है वो लड़की? मैं जानता हूँ कौन है वो लड़की, आओ मेरे साथ। जाओ, 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 जाओ
पानी में फेंकी जा रही है। घोर अत्याचार है ये। अरे आए देखने वाले, तुम्हारे बाप का राज है, भाग जाओ यहाँ से वरना सबकी हड्डी पसली बराबर कर दो। अरे न बोलो, इस लड़की का डूबना बहुत जरूरी है। जब तक ये लड़की नहीं डूबेगी भगवान का प्रकोप कभी शांत नहीं होगा। उस दिन मौत के डर ने तुम्हें अकल का दुश्मन बना दिया है। ये कोई प्रकोप प्रकोप नहीं है, ये तूफान है, सिर्फ तूफान। मगर ये तूफान आया कैसे? भगवान के सिवा और कौन सी शक्ति है जो इतना बड़ा तूफान ला सके? अगर वो बड़ा ही शक्ति वाला है तो खुद ही क्यों नहीं डूबो देता इस लड़की को? उस काम के लिए तुम अपनी शक्ति क्यों आजमा रहे हो? इसलिए कि इस छोकरी के साथ हम सब डूबना नहीं चाहते। तुम कैसे डूब सकते हो? तुम तो भगवान के भक्त हो ना भक्त। जो महान शक्ति इसको डुबो सकती है वो क्या तुम बगला भक्तों को बचा नहीं सकती? भाइयों, इस नास्तिक से बहस करना बेकार है। भगवान सिर्फ इस लड़की को डुबाना चाहते हैं, अपने भक्तों को नहीं। आगे बढ़ो भाइयों और भगवान को दिया हुआ वचन पूरा करो। खाने में ले आओ। आओ स्वामी जी, समझ में नहीं आई भगवान की लीला। इतने बड़े तूफान से ये लड़की बच कैसे गई? अगर आज ये लड़की डूब जाती तो हम सब की यात्रा नष्ट हो जाती। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि ये भगवान का प्रकोप है। वो हमारी भूल थी। ये कोई प्रकोप वरकोप नहीं है, ये सिर्फ तूफान है, तूफान। ठीक ही तो है, भगवान का प्रकोप होता तो ये तूफान कभी कम नहीं होता। लड़की बचने की देर थी कि तूफान कम हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छगन, स्वामी जी, तुमने हम सबको धर्म का असली मार्ग दिखाया है। आज तक मैं यही समझता रहा कि भगवान की तपस्या मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, पर आज तुमने बता दिया कि मनुष्य की सेवा भगवान की सबसे बड़ी तपस्या है। बेटी, बेटी, आज तक मैं तुम्हें सिर्फ विधवा समझता रहा। विधवा तुम बाद में, मनुष्य हो पहले। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। स्वामी जी, धर्म की बातें तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज इंसान ने इंसान को पहचाना है। इंसानियत की सेवा के लिए ये भेंट स्वीकार कीजिए।
आपका आश्रम दुखी इंसानों के लिए है, ये हीरा उनके काम आएगा। तुम्हारे हाथ कैसे आया? मैंने शिव सागर से चुराया था। मैं चोर हूं स्वामी जी। तुम चोर थे पर अब नहीं। ये हीरा पानी में सदा बेकार पड़ा रहता है। भगवान ने मानवता की सेवा के लिए आज इसे तुम्हारे हाथों लौटा दिया। भगवान धन्य है तेरी महिमा। छगन रूपा, छगन तुमने मेरी जान बचाई। मैंने नहीं, भगवान ने। छगन तुम तो नास्तिक थे। था रूपा, याद है मैंने तुम्हें कभी कहा था कि जो इंसान कभी हिम्मत नहीं हारता है वो अपना भगवान खुद है। आज जब मैं तूफान में फंसा हुआ तुम्हें पानी में ढूंढ रहा था और तुम कहीं नजर न आए तो मेरी हिम्मत ने मैं जवाब दे दिया। और न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर भगवान है इस दुनिया में तो वो जरूर मेरी रूपा को मुझे लौटा देगा। बस इसी आखिरी उम्मीद का सहारा। हाँ रूपा, इंसान के पास कितनी ताकत क्यों ना हो, जिंदगी में एक मौका जरूर आता है जब उसे उस महान शक्ति को पुकारना ही पड़ता है। अब तुम उस महान शक्ति को हमेशा मानोगे ना? हमेशा। संग समाती पार उतर गए छोड़ के बोझा भारी, अब तो नाथ खबर लो हमारी।